What's up everyone? Welcome back to the channel. हम लोगों ने गाइस स्टार्ट किया था पास्ट एडजस्टमेंट, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बेसिक क्वेश्चंस के साथ चीज़ें समझाई थी. आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. आज की इस वीडियो के बाद आपका कॉन्सेप्ट और बेटर हो जाएगा और आप और ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे और एंट्रीज बना पाओगे. चलो आओ जल्दी से देखते हैं आज कुछ 3-4 क्वेश्चंस और, जिसकी मदद से आप पास्ट एडजस्टमेंट्स में आने वाले और क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर पाओगे. चलिए लेट्स बिगिन. जो टॉपिक हम आज सीखेंगे वो है व्हेन एंट्रीज आर मेड विद रॉन्ग अमाउंट. देखो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए उसमें मैंने आपको मेनली ओमिशन वाली चीजें बताई थी. आईओसी नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, आईओडी चार्ज करना भूल गए, अभी तक हमने ये क्वेश्चंस करे थे ओमिशन. आज जो हम टॉपिक सीखेंगे इसमें हम देखेंगे कि एंट्रीज तो हुई है, यानी किया तो है हमने जो करना था, बट गलती क्या हुई है, अमाउंट गलत लिया है, अमाउंट हमने कोई गलत चार्ज कर लिया, या तो ज्यादा हो गया या कम हो गया. यानी इसके अंदर दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं. अगर रॉन्ग अमाउंट से किया गया है तो ईदर इट विल बी ओवरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग का मतलब आपने ज्यादा करी है कोई चीज, और इट विल बी अंडरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग का मतलब आपने कोई भी चीज कम करी है. ठीक है, जैसे मैं ये आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:2:1 है. ठीक है, और इन्होंने जो कैपिटल लगाए हैं, इनके जो कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स वो हैं 1,00,000, 1,00,000 और 1,00,000. जो इनके कैपिटल्स हैं वो 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 हैं. अब हुआ क्या है, देखो ऐसा हुआ, आईओसी वाज प्रोवाइडेड टू देम 15% instead of 10%. देखो इसका क्या मतलब है, IOC उनको दिया गया है, omission नहीं हुआ, it was provided, IOC दिया गया है, लेकिन कितना दे दिया, 15% दे दिया instead of 10%. देना था 10%, दे दिया 15%. क्या इसी को हम overcasting बोलते हैं? Overcasting का मतलब ज्यादा देना कोई भी चीज, है ना. मुझे आपको 10 रुपए देने थे, मैंने आपको 15 रुपए दे दिए, तो कैसे ठीक करूं मैं इस गलती को. जो मैंने आपको 10 देने थे मैंने आपको 15 दे दिए, अगर मैं आपसे 5 वापस ले लूं तो गलती ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी. यही तो हुआ है आपको, अगर मैंने एक्स्ट्रा कोई पैसा दे दिया है तो मैं आपसे वापस ले लेता हूं, वो गलती ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी. तो इसको कैसे ठीक करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे वापस से. लेट्स मेक एन एडजस्टमेंट टेबल. कितने पार्टनर्स हैं, ए बी सी टोटल, टोटल सी बी ए. अब ध्यान से समझने वाली बात बेटा जी, इस बार आपको आईओसी पार्टनर से वापस लेना है. जब आप उनको आईओसी देते हो तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, यानी उनको पैसा मिलता है. अभी उनसे लेना है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. ठीक है, उनसे लेना है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इस बार, तो हम लिखेंगे आईओसी डेबिट. यहाँ पे आईओसी डेबिट किया जाएगा. डेबिट क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पैसा उनसे वापस लेना है. कितना वापस लेना है, देखो देना था 10, दे दिया 15, तो क्या मैं 5 वापस ले लूं, है ना, 5%. तो 1,00,000 का 5%, 1,00,000 का 5% हमारे पास आ जाएगा 5,000 ए से ले लो, 5,000 बी से ले लो, 5,000 सी से ले लो. टोटल कितना हो गया, 15,000 रुपये हो गया. टोटल कितना हो गया हमारे पास, 15,000 हो गया. अब अगर पार्टनर्स के लिए डेबिट हुआ है तो फर्म के लिए क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो हम लिखेंगे डिविजन ऑफ 15,000 इन किस रेशो में, 3:1, 3:2:1. तो 15,000 को अगर 3:2:1 में करते हो तो 15,000 × 3/6 ये बैठ जाएगा हमारे पास 7,500, ये बैठ जाएगा 5,000 और ये बैठ जाएगा 2,500 3:2:1 में. ठीक है, तो यहाँ से अब आपको एंट्री बनानी है. सिंपली क्या एंट्री बनेगी, 15,000 से 15,000 ये तो निल हो गया, 5,000 से 5,000 ये भी निल हो गया, इसको उतना ही मिला जितना मिलना चाहिए था. ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 2,500 वैल्यू आएगी, ये 2,500 से 2,500 कटेगा, इधर बचेगा 2,500. कौन सी साइड है, डेबिट साइड,
यहाँ पे 5000 से 5000 कटेगा, इधर बचेगा 2500। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। तो अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो एंट्री क्या बनेगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनती है हमारे पास? सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सी डेबिट होगा 2500 रुपये से और ए क्रेडिट होगा 2500 रुपये से। देखो इस तरीके से ओवरकास्टिंग की एंट्री करेक्ट कर दी जाती है। समझे किस तरीके से हुआ? बस आपको सिंपली पार्टनर्स के लिए जो भी चीज डेबिट हो रही है फर्म के लिए वही क्रेडिट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, है ना। अगर पार्टनर के लिए क्रेडिट होता है तो फर्म के लिए डेबिट हो जाता है। बस रिवर्स दोनों चीजें इंपैक्ट याद रखना, क्योंकि दोनों ही अलग अलग बातें हैं। एक के लिए डेबिट तो दूसरे के लिए क्रेडिट होना लाजमी है, राइट। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका मैं अंडरकास्टिंग सिखाता हूँ आपको। अब अंडरकास्टिंग में क्या करना होगा? सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्या लिखता हूं मैं? आईओसी वॉज प्रोवाइडेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 15%। अब दिमाग लगाओ, चलो जल्दी से इसका वीडियो को पॉज करो और खुद से करना स्टार्ट करो। तो ये हो गया पूरा अंडरकास्टिंग का केस, ठीक है, कि आपने दिया 10%, देना था 15%। यानी मैंने आपको 10 रुपए दिए जबकि देने कितने थे? 15 देने थे। तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे आपको 15 देने थे ना, मैंने 10 तो दे दिए, तो मैं आपको 5 और दे दूंगा, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा इस बार? आपको 5 और दूंगा। तो इस बार हम कैसे करेंगे? टोटल CBA और यहां पे हम लिखेंगे IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इस बार हमें देना है इंटरेस्ट, राइट। 15 देने थे, 10 दिए हैं, तो 5 और दोगे ना, है ना। तो अब क्या करोगे? इस बार क्रेडिट करोगे, क्योंकि इस बार पार्टनर्स को पैसा देना है आपने, राइट। 1,00,000 पे 5% वही 5,000 क्रेडिट, 5,000 क्रेडिट, 5,000 क्रेडिट। तो टोटल 15,000 रुपये इधर पार्टनर्स को मिल गए। पार्टनर्स को मिले हैं तो फर्म के लिए डेबिट होगा, राइट। तो फर्म क्या करेगा? इसको डेबिट करेगा डिविजन ऑफ 15,000 इन 3:2:1, है ना, सही है ना। तो 15,000 आ गया। कितना कितना आएगा, चलो जल्दी से बताओ। हमने अभी डिवाइड किया था 7,500, 5,000, 2,500, ओके। ये निल हो गया, ये भी निल हो गया। यहाँ पे 2,500 डेबिट और यहाँ पे 2,500 क्रेडिट हो गया। देखो एंट्री चेंज हो गया। इस बार एंट्री क्या बना? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,500 हो गया। देखा, अब यहाँ एंट्री कुछ हुआ था, यहाँ एंट्री कुछ हुआ, बट आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग किस तरीके से आप एडजस्ट करते हो, राइट। दिस इज हाउ ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग वाले केसेस सॉल्व होते हैं। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का पूरा, और ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा फिनिश ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग वाला। अब एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि वही ABC तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:2:1 है, सही है। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट doing the following adjustments. हमने profit distribute कर दिया और ये adjustments करनी भूल गए हैं, ठीक है। कौन कौन सी adjustments हैं? Number 1 IOC 5,000 to A, 5,000 to B, 5,000 to C, ये देना भूल गए हैं,
नंबर टू सैलरी ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ टू बी, एक सैलरी बी को देना भूल गए हैं। नंबर थ्री कमीशन ऑफ 13,000 टू सी, ये देना भूल गए हैं। नंबर फोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ए 5,000, बी 2,500, सी 2,500। चलो ये सब हम करना भूल गए हैं। अब आप जल्दी से मुझे एडजस्टिंग एंट्री करके दिखाओ कि ये गलती ठीक हो जाए। वीडियो को पॉज करेंगे और अब आप खुद से ही करना चालू करेंगे कि किस तरीके से इन ये एरर्स भी रेक्टिफाई हो जाएं और एक एंट्री भी आप लोग फाइंड आउट कर दो। चार चीज़ें करना भूले हैं, ठीक है। प्रॉफिट हमने बांट दिया, प्रॉफिट 90,000 का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 3:1 में, जो कि सही रेशो था। बस ये देना भूल गए, ओमिशन है, सिंपल ओमिशन है, क्या करोगे। चलो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ए बी सी टोटल, यहां पे लिखता हूं पर्टिकुलर्स, ए बी सी टोटल, और यहां पे मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब सबसे पहले जो चीजें आपको पार्टनर्स को देनी है ना, वो दे दो। क्या क्या देना है? एक तो आईओसी देना था, सैलरी देना था, कमीशन देना था, ये पार्टनर्स को देना है, तो ये क्रेडिट होगा। पार्टनर्स को पैसा मिलता है तो क्रेडिट होते हैं पार्टनर्स, ठीक है। आईओसी कितना कितना था? 5,000 ए का, 5,000 बी का, 5,000 सी का, तो टोटल 15,000 का तो आईओसी हो गया। सैलरी 1,000 पर मंथ है किसकी? 1,000 पर मंथ बी की सैलरी है। अगर 1,000 पर मंथ है बच्चे, तो 12,000 रुपए की सैलरी हो गई बी की, ठीक है। और कमीशन है 13,000 की सी की, 13,000 सी की कमीशन है, ठीक है। तो अब अगर आप चेक करो तो टोटल क्रेडिट कितना हुआ जो पार्टनर्स को देना है, ये आ गया 5,000 तो ए को देना है, 17,000 बी को देना है, 18,000 सी को देना है, तो अल्टीमेटली 13 और 12 25 और 15 40,000 रुपए फर्म ने देने हैं, जो देना भूल गए थे हमने दे दिए, क्रेडिट हो गया। अब डेबिट कर दो जो लेना है। क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये डेबिट होगा। कितना कितना? 5,000 ए से, ठीक है, 2,500 बी से और 2,500 सी से। इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इसको 2,500 कर लो, इसको 5,000 कर लो, इसको 2,500 कर लो, सो दैट फिगर्स थोड़े से सही हो जाएं। तो हम ले लेते हैं 2,500 ए, 5,000 बी, 2,500 सी, 10,000 टोटल ये हमने लेना है। अब जरा नेट निकालो फटाफट से, अभी सब पार्टनर्स से ही हो रहा है, पार्टनर्स को इतना पैसा देना है, इतना लेना है, तो नेट कितना दोगे? नेट कितना दोगे आप पार्टनर को? इसको 5,000 देने थे, 2,500 इससे लेने थे, तो 5,000 दे देंगे बस, सॉरी 2,500 दे देंगे बस, 5,000 उसको देने थे ना, अभी ये सब टोटल कर गए और ये उससे लेना है, तो इसको इतना दे देंगे बस 2,500। 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। 18,000 माइनस 2,500 इज 15,500, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 30,000। अब देखो बेटा, 30,000 पार्टनर्स के लिए क्रेडिट हुआ है, तो अगर पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होगा तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ 30,000 एंड 3:2:1। तो 3:2:1 में कितना कितना आ जाएगा? 15,000, 10,000, 5,000, टोटल 30,000। अब आपको करना है यहाँ पे 30 से 30 ये हो गया निल,
यहाँ से 5000 से 5000 कटेगा, यहाँ पे तो क्या बचेगा 10,500 क्रेडिट में, 10,000 से 12,000 कटेगा, 2,000 बचेगा क्रेडिट में, और यहाँ पे आपके पास बचेगा इधर 2500 कट करके 12,500 डेबिट में, ठीक है। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, परफेक्ट हो गया, सही है। तो ये आ गया 12,500, ये आ गया 2,000, ये आ गया 10,500। अगर आप लोग वो IOD यहाँ पे 5,000 रख के भी करते ना, तो भी नेट एंट्री बन जाती, तब भी आपका आंसर आ गया होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आई होंगी फिगर्स, बट आंसर तब भी आएगा, एंट्री तब भी बनेगी, बट मैंने ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए इसको चेंज कर दिया था। ओके, नेट एंट्री ये निकल के आएगी। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होंगे तो करंट अकाउंट से कर दोगे, बाकी आप बड़े आसानी से अब सारे क्वेश्चन इस तरीके कर पाओगे। बस याद रखना बच्चे, प्रॉफिट जो 90,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, उसको नहीं आपने कुछ भी छेड़ना, अगर आप प्रॉफिट छेड़ोगे तो गलत हो जाएगा। प्रॉफिट कब छेड़ते हैं, प्रॉफिट कब डिस्टर्ब करते हैं, अगर प्रॉफिट गलत रेशो में बटाओ, यहाँ पे गलत रेशो में नहीं बटा, यहाँ प्रॉफिट सही बटा था, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि प्रॉफिट का क्या करना है, प्रॉफिट का आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये एंट्री आपके पास नेट एंट्री निकल के आएगी, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल राइट, तो इस तरीके से आप पास्ट एडजस्टमेंट्स के और क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आज होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, और वो क्वेश्चंस आप लोग को नीचे अगर मैं नोट नंबर बताऊंगा तो कमेंट्स में भी मैं डाल दूंगा कि ये क्वेश्चंस आप आज प्रैक्टिस कर लो, उनको ज़रूर करना, और पास्ट एडजस्टमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना। अगली क्लास में और हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि बिल्कुल मजबूत हो जाए आपका टॉपिक और आप परफेक्शन के साथ आगे बढ़ पाओ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी थोड़ा सपोर्ट करो, एंड इट विल मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।